সকালে গান্ধীনগরের পর এই মুহূর্তে আহমেদাবাদে রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তার আগে গান্ধীনগরের ছবি, আজকে সকালে যখন রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা জানেন যে বছরের শেষে গুজরাতে বিধানসভা ভোট রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী আজকে সকালে গান্ধীনগরে রোড শো করেন, একেবারে জোড়া রোড শো সকালে গান্ধীনগরে এবং বিকেলে আহমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রোড শো করছেন। আর এই মুহূর্তে গান্ধীনগরে রাত সকালে যে রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী, সেই ছবি দেখছেন। सामने दिखा है किस प्रकार से सड़क दूसरे छोर पर भी आपको लोग नजर आएंगे। जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। और जरा इस सुभाष सर्कल को जरा 360 डिग्री पर धर्मेंद्र दिखाए कि किस प्रकार से सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, लेकिन लोग जो है वो सड़कों पर किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, एक दीदार करना चाहते हैं। और ये तस्वीरें हम आज सुबह भी देखी, आज सुबह राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सड़कों पर इतने लोग सुबह 7 बजे से खड़े थे कि वहां पर रोड शो, ये जो पूरा नजारा था रोड शो में तब्दील हो गया। देखिए सड़कों पर बंद कर दिया गया है और आप देखिए जहां जहां घर है लोग घरों से दुकानों से बाहर निकलकर सड़कों पर आकर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। वहां देखिए दूसरी तरफ सड़क के दोनों छोर पर आपको यही तस्वीर नजर आएगी। तो ये हम कल से ही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले बहुत ही हैं। निश्चित तौर पर उनका ये गृह राज्य है जिसे हम भले कहें कि 7 महीने बाद चुनाव है, एक प्रमुखता के तौर पर देखा जा रहा है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर इस शहर में अहमदाबाद में। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की, तो पिछले 2 दिनों से देखिए परसों भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की, उत्तराखंड, यूपी, गोवा, मणिपुर में बड़ी जीत हासिल की। और इसके ठीक दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह एक रोड शो किया, जो कि अहमदाबाद में एक बड़ा रोड शो किया और लगभग 10 किलोमीटर का रोड शो था जिसमें लाखों लोग मौजूद रहे। और 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने के बाद में সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সকালে গান্ধীনগর এবং তারপর আহমেদাবাদে এই মুহূর্তে রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত পরশুই 5 রাজ্যের মধ্যে 4 রাজ্যে বিপুল জয় পেয়েছে বিজেপি এবং তারপর আজকে সকালে গান্ধীনগরে রোড শো করেন প্রধানমন্ত্রী এবং এখন আহমেদাবাদে রোড শো করছেন। আপনারা জানেন যে বছরের শেষে গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, আহমেদাবাদে এই মুহূর্তে রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।